ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वीडियो नहीं है। शेयर मार्केट में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। तो ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है और ये कंपैरिजन होने वाला है जीरोधा और कोटक सिक्योरिटीज के बीच में। तो जीरोधा के पास में 62 लाख क्लाइंट्स हैं और वहीं कोटक सिक्योरिटीज के पास में 9 लाख क्लाइंट्स हैं। ब्रोकर टाइप की बात करें तो जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर एप्लीकेशन है और वहीं कोटक सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस ब्रोकर है। अब डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के बीच का अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो डिस्काउंट ब्रोकर प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप लोग ट्रेड वगैरह बहुत ही डिस्काउंट रेट पर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो सर्विस वगैरह है वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन वहीं फुल सर्विस ब्रोकर के ऊपर में आपके चार्जेस वगैरह थोड़े हाई साइड पर लगते हैं, लेकिन उन चार्जेस के पीछे जो आपको सर्विस मिलती है वो डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। इसके अलावा बात करें यूजेबिलिटी रेटिंग की तो जीरोधा के काइट एप्लीकेशन को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और वहीं कोटक सिक्योरिटीज को 2.8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। चार्जेस रेटिंग में जीरोधा एप्लीकेशन को 4 स्टार मिले हुए हैं और वहीं कोटक सिक्योरिटीज को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। लेकिन चार्जेस को हम रेटिंग से नहीं बल्कि ट्रेडिंग चार्जेस से समझने वाले हैं। तो चलिए जीरोधा और कोटक सिक्योरिटीज के बीच कंपैरिजन अपन स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन की शुरुआत अपन करेंगे अकाउंट चार्जेस से। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। तो जीरोधा एप्लीकेशन के साथ में अगर आप लोग जाना चाहते हो, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके ऊपर में चार्जेस लगाए जाते हैं। यहाँ पर आपको 1 टाइम 200 रुपीज का चार्ज देना पड़ता है कंपनी को, तभी आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हो। वही बात करें कोटक सिक्योरिटीज की तो कंपनी क्लेम करता है कि यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने पर भी आपके ऊपर में चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जिसको कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग किसी भी ब्रोकरेज कंपनी के साथ में अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो अकाउंट के पीछे आप लोग को अकाउंट का मेंटेनेंस चार्जेस भी देना पड़ता है कंपनी को। तो जीरोधा एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोग को 300 रुपीज का एमसी चार्ज देना पड़ता है कंपनी को। और वहीं बात करें कोटक सिक्योरिटीज की तो यहाँ पर 50 रुपीज पर मंथ के हिसाब से साल का आप लोग का 600 रुपीज का चार्ज हो जाता है। तो ये तो बात हुई अकाउंट चार्जेस की। वीडियो के अंदर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस की। ब्रोकरेज चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो आपके ट्रेडिंग के ऊपर में लगाए जाते हैं। ट्रेडिंग आप लोग इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट में कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर में हम इक्विटी सेगमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जीरोधा के ऊपर में तो आपको एक ही प्लान मिलता है, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज के ऊपर में आपको टोटल 2 प्लान मिल जाते हैं। इन सभी प्लान के बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंदर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जीरोधा के प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो जीरोधा के साथ में अगर आप लोग जाते हो, यहाँ पर ट्रेड करते हो डिलीवरी के ऊपर में, तो यहाँ पर आपके ऊपर में कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगाए जाते, मतलब यहाँ पर डिलीवरी ट्रेडिंग पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। वहीं बात करें इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी फ्यूचर की तो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड करते हो जीरोधा के ऊपर में तो यहाँ पर आपके ऊपर में 0.03% के हिसाब से चार्जेस लगाए जाते हैं, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पर 20 रुपीज के ब्रोकरेज चार्जेस अप्लाई होंगे। और वहीं अगर आप लोग ट्रेड करते हो इक्विटी ऑप्शन के ऊपर में तो जीरोधा के ऊपर में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से आप पर चार्जेस अप्लाई होंगे। और वहीं बात करें कोटक सिक्योरिटीज के पहले प्लान की जो कि है ट्रेड फ्री प्लान। अगर आप लोग इस प्लान के साथ में जाते हो ट्रेड करते हो इक्विटी डिलीवरी के ऊपर में तो यहाँ पे आपके ऊपर में 0.25% के हिसाब से चार्जेस अप्लाई होंगे। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये चार्ज आपके ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से अप्लाई होगा आपके ट्रेडिंग पर। और वहीं अगर आप लोग इस प्लान के साथ पे जाते हो ट्रेड करते हो इंट्राडे के ऊपर में तो यहाँ पर आप पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ पर इंट्राडे के ऊपर में ट्रेड कर सकते हो, ब्रोकरेज चार्जेस कुछ भी यहाँ पर नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इस प्लान के साथ पे जाते हो ट्रेड करते हो फ्यूचर और ऑप्शन में तो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस अप्लाई होंगे। और वहीं बात करें कोटक सिक्योरिटीज के दूसरे प्लान की जो कि है ट्रेड फ्री यूथ प्लान। तो अगर आप लोग इस प्लान के साथ पे जाते हो ट्रेड करते हो डिलीवरी में, इंट्राडे में या फिर फ्यूचर या फिर ऑप्शन में तो यहाँ पर आप लोग किसी भी सेगमेंट के ऊपर में ट्रेड करोगे तो आप पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन जो बाकी चार्जेस होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट टैक्सेस या फिर गवर्नमेंट चार्जेस तो वो चार्जेस आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस से आप लोग इस प्लान के साथ में जाने पर बच सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप लोग इस प्लान के साथ में जाते हो ट्रेड करते हो यहाँ पर आप लोग फ्यूचर या फिर ऑप्शन में और यहाँ पे अगर आप अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस अप्लाई होंगे, मतलब सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्राडे 0 मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वहां पर आप पर 20 रुपीज के हिसाब से ब्रोकरेज चार्जेस अप्लाई होगा। और अगर आप लोग इन दोनों में से किसी भी प्लान के साथ में जाना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो ट्रेड फ्री प्लान के साथ में तो अगर आप नए क्लाइंट होंगे तो आपको यहाँ पर 99 रुपीज के चार्जेस लगने वाले हैं, और अगर आप कोटक सिक्योरिटीज के एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर में 499 के चार्जेस लगने वाले हैं। और वहीं अगर आप जाते हो ट्रेड फ्री यूथ प्लान के साथ में तो यहाँ पर आपके 299 या फिर 499 के चार्जेस लग जाएंगे। और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान के साथ में जाना चाहते हो तो आपकी उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए, तभी आप लोग इस प्लान के साथ में जा सकते हो।
और अगर आपको इनके प्लान के बारे में और डिटेल में जानना है तो कोटक सिक्योरिटीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डिटेल में जान सकते हो इन दोनों प्लान्स के बारे में। तो कंपैरिजन तो पूरा आपने देख लिया, और अब बात करते हैं इन दोनों एप्लीकेशन में कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आपके नीड के हिसाब से इन दोनों एप्लीकेशन के साथ में जाना चाहिए। अगर आपको अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाना है तो आपको कोटक सिक्योरिटीज के ट्रेड फ्री यूथ प्लान के साथ में जाना चाहिए। उस प्लान के साथ में अगर आप लोग जाते हो, ट्रेड वगैरह करते हो, तो आपके कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेंगे। और वहीं अगर आपका मेन फोकस ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी है तो आपको ज़ीरोधा के काइट एप्लीकेशन के साथ पे जाना चाहिए, क्योंकि ज़ीरोधा का जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं कोटक सिक्योरिटीज के एप्लीकेशन से अच्छा है। तो आप लोग आपकी नीड के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन के साथ पे जा सकते हो। अगर आपको कोटक सिक्योरिटीज के प्लान के बारे में और डिटेल में जानना है, वो भी ट्रेडिंग चार्जेस के साथ में, तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। और वहीं अगर आपको इसके रिव्यू के बारे में जानना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को भी आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।